हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक माइक की, जो कि मैंने मंगवाया है 15 का 60। तो कहते हैं कि ये वी लॉगर्स के लिए, गेमर्स के लिए बहुत ही ब्लेसिंग है और बहुत ही सस्ता माइक है, जो कि 5,000 रुपये के अंदर अंदर आया था। और जो मैं इसका पहले रेट जो था मैं देख रहा था, तो मैंने जब ट्रैक किया लास्ट टाइम तो 3700 था, बट अभी अमेजोन की सेल चल रही है, उस सेल के अंदर मुझे 29,500 रुपये का पड़ा है, विच इज़ अ जेम डी। मतलब अभी तो आप भी बाय कर सकते हो, आप हो सकता है कि तब तक ये वीडियो इतना रीसेंट ना रहे। प्लस बिना टाइम वेस्ट किए अब हम एक बार इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मिला है इसके साथ। तो कुछ ऐसी बॉक्सिंग देखने को मिल जाती है आपको इसके अंदर, जिसके अंदर लिखा माइक्रोफोन विद शॉक माउंट, पॉप फिल्टर, बूम आर्म स्टैंड विद अडैप्टर, और आपको 2.5 मीटर की USB केबल मिल जाती है, जो कि आप दूर तक भी कर सकते हो, और एक डेस्क लैंप है जिसको आप फिक्स कर सकते हो। तो ये इसकी कुछ ब्रांडिंग आती है ऐसे, और देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी शानदार लग रहा है। बाकी अंदर देखते हैं कैसा होगा। मुझे स्टॉप कर, आई थिंक ये उल्टा ओपन हो गया। एक बुकलेट मिलती है जो कि यूज़र गाइड है, बेसिकली आप पढ़ सकते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, बट आई थिंक काफ़ी बेसिक है तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। रेस्ट आगे देखते हैं, इसको हम ऐसे ओपन करते हैं ऊपर। नहीं नहीं, सीधा ही था। ओके, ये सीधा ही था। ये मिल जाता है हमारा डेस्क लैम्प, ठीक है, ये हमारी USB केबल, और ये हमारा माइक, राइट, ये हमारा फिल्टर। और इसके अलावा काफ़ी भारी है, काफ़ी लोहे का काफ़ी भारी है, ये हमारा आर्म स्टैंड है जिसके अंदर हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फटाफट इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर एक बार टेस्टिंग करते हैं इसकी। एक बेसिक प्रॉब्लम जो मैं देखने को मिली कि वो यहाँ पे लग नहीं पा रहा, क्योंकि वो क्लैंप जो है वो बहुत छोटा है और ये जो डेस्क का जो ये है बहुत बड़ा है, तो मुझे इसको मजबूरन ऐसे लगाना पड़ा, जिससे कि मतलब ये मेरा डेस्क खुलता है, मैंने इसके ऊपर लगाया क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है अभी करने का इसको, तो मैं इसको इस तरीके से लगा रहा हूँ। तो मैं इसको कैसे सेट कर लिया है। अब मैं एक बेसिक प्रॉब्लम और देखने में सामने आई कि हमारा जो ये वाला साइड है ये हमारा USB 2 ही है, और जो अदर साइड है इन्होंने वो USB 3 दिया हुआ है, जो कि सॉरी जो है अदर साइड है वो अपने सी टाइप दे रखा है इन लोगों ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ सी टाइप होता बेटर है, क्योंकि आजकल जो भी हमारे मेन स्लॉट है वो सी टाइप के ही होते हैं, अगर आप अडाप्टर में भी लगाते हो या इसको लैपटॉप में भी लगाते हो तो वो बेटर रहता है, गैस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका काफ़ी आवाज़ क्लियर होगी और बिल्कुल ही एकदम ज़मीन आसमान का अंतर आता है कि आपने जैसे ये लगाया और उसके बाद क्वालिटी टेस्ट करते हो, लगता है कि यार कितनी क्वालिटी वाली साउंड आ रही है। और इस प्राइस में ऐसा होना मुझे लगता है स्टील डील है। हालांकि अगर मैं चुप पाऊंगा तो थोड़ी सी नॉइस कैंसिलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बाहर सराउंडिंग्स की आवाज़ आती है, बट इसके अलावा जो वैसे साउंड है, मतलब जो जिस क्वालिटी की चीज़ें दे रहे हैं 3,000 रुपये में, मुझे लगता है कि इट्स वर्थ इट और यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको आवाज़ में फ़र्क पता लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा माइक और इसकी क्वालिटी कैसी लगी। और ये जो RGB जो ये आपका ये है, ये सबसे ज़्यादा चार्म डालता है इसके अंदर, कि इसका कलर चेंज होता रहता है, जो कि बहुत ही मेरे को तो काफ़ी एंगेजिंग लगा है। और बस बाकी यार, मतलब एक बेसिक यूज़ के लिए आपको घर में एक माइक चाहिए, बच्चों के लिए अपने लिए, तो मेरे को लगता है इससे बेस्ट ऑप्शन आपको इस रेंज में नहीं मिल सकता है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको ना बहुत पास आके बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के बोलोगे तो समझ आ जाएगा। जनरली लोग क्या करते हैं, उसके पास आते हैं कि ज़्यादा तेज़ आवाज़, जितना पास जाओगे उतनी आवाज़ फटेगी, मैं तो ये बोलूँगा। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर भी आप बोलोगे तो मेरे को लगता है क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मज़ेदार है। मतलब मेरे लिए जो मेरे को वीलॉग्स बनाने हैं, ट्रैवल वीलॉग्स बनाने हैं, गेमिंग वीलॉग मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे लिए तो परफेक्ट डील है ये, मेरे को बहुत ही परफेक्ट चीज़ मिलेगी एज ऑफ नाउ। मैं फ्यूचर में ज़रूर अपग्रेड करूँगा, बट एज ऑफ नाउ टुडे मेरा काम ये बहुत अच्छा चलाएगा और बहुत बढ़िया चलेगा मेरे लिए। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये डिवाइस कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि आपके पास कुछ बेटर अगर इस रेंज में माइक है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे से, तो मैं उसको भी एक बार टेस्ट करूँगा कि वो कैसा है। और बस ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आशा आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।